नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति 15 के लेटेस्ट एपिसोड में कमलेश कुमार दर्जी नाम के कंटेस्टेंट हॉट सीट पर बैठे। दोस्तों, कमलेश कुमार गुजरात के रहने वाले हैं और फिलहाल वे एक इंश्योरेंस एडवाइज़र है। उन्होंने बताया कि वो पिछले 13 साल से कौन बनेगा करोड़पति में आने के लिए कोशिश कर रहे थे। शो की शुरुआत तो कमलेश ने काफ़ी अच्छी तरीके से की, लेकिन 40,000 तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपनी सारी लाइफलाइन का इस्तेमाल कर लिया था। इस वजह से वे केवल 40,000 रुपये की राशि जीत कर घर गए। कमलेश ने 10,000 रुपये के सवाल के लिए अपनी पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल किया। उसके बाद 20,000 रुपये के सवाल पर उन्होंने अपनी दूसरी लाइफलाइन वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड का इस्तेमाल किया। फिर 40,000 रुपये के सवाल पर उन्होंने अपनी आखिरी लाइफलाइन डबल डिप का इस्तेमाल किया और 40,000 रुपये की राशि जीत गए। फिर आया 80,000 रुपये का सवाल। इस सवाल पर कमलेश फंस गए। 80,000 रुपये के लिए कमलेश से पूछा गया सवाल था, 1958 के अंग्रेजी उपन्यास द गाइड के लेखक ने इनमें से कौन सा उपन्यास भी लिखा है। इस सवाल के लिए 4 ऑप्शंस थे, मालगुडी डेज, शेम, द सर्कल ऑफ रीजन या सी ऑफ पॉपीज। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए मालगुडी डेज है। इस सवाल का जवाब न आने के कारण कमलेश ने गेम क्विट कर दिया और 40,000 रुपये की राशि जीत कर घर गए। दोस्तों, कमलेश के लिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।